सबको नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कांजी महेश्वरी ब्लॉग। दोस्तों, ये जगह देख सकते हो, ये जगह हमारे इष्ट देव परम पूज्य श्री धनी महातंग देव जी का तपस्या धाम चंद्रुआ धाम है, जो अपना कुकमा से 7-8 किलोमीटर कुछ होता है और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ही कुछ अपना काली तलावड़ी है नाम का कोई गाँव है, वहीं पर ही है हमारे परम पूज्य श्री धनी महातंग देव जी का तपस्या धाम चंद्रुआ धाम। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, दादा का दर्शन करेंगे। दादा का मंदिर वो डूंगर के ऊपर है, यहाँ से कुछ 500 पगती है ऊपर चढ़ के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं ऊपर और करते हैं दादा श्री धनी महातंग देव जी का दर्शन। चलो चलते हैं। दोस्तों देख सकते हो, अभी हम गुफा में जा रहे हैं। ये गुफा ऐसा है कि ये गुफा जूनागढ़ निकलती है, पहले के ज़माने में कि ये गुफा है। तो दोस्तों देख सकते हो, अभी हम पीछे की साइड में आए हुए, पीछे की साइड में मैं ये देख सकते हो ऐसा कुछ नज़ारा है और ये पीछे दादा का मंदिर है, इसके पीछे अपनी माता दादा का मंदिर है और इधर आपको जो पहले गुफा दिखाया वो इधर नीचे गुफा है। अभी तो अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर बोले कि इधर ही गुफा थी जो यहाँ से जूनागढ़ निकलती थी, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती थी और वो गुफा जूनागढ़ तक जाती थी। ऐसा कुछ इतिहास है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से। दोस्तों चारों तरफ मेरे पीछे देख सकते हो, चारों तरफ खेत है, पूरे हरे भरे खेत नजर आ रहे हैं चारों तरफ, एकदम मस्त नज़ारा देख सकते हो। थोड़ा लंबा कर देता हूँ, अभी देख सकते हो पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली, मतलब पूरा खेत ही है चारों तरफ और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ना, एकदम मस्त बेस्ट है। काफ़ी छोटे छोटे पास में गांव भी है, वो भी दिख रहे, इतने अच्छा बेस्ट लोकेशन है भुज के पास में।
तो आप कभी भुज आते हो तो यहाँ पे ज़रूर आइए। अपना भुज बच्चों को हाईवे वाला जो हाईवे है उसके नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 5-7 किलोमीटर हाईवे के अंदर ही है, तो आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ से पीछे बैकग्राउंड, और दादा का मंदिर। तो दोस्तों देख सकते हो ये है हमारे परम पूज्य सिद्धणी माता देव जी का मंदिर चंद्रुआ धाम। तो दोस्तों दर्शन कर लिया है और आपको भी इस वीडियो में दर्शन दादा के करा दिए है, तो अभी नीचे उतरते हैं, उतरने के बाद फिर एंड करेंगे वीडियो को। वीडियो अभी एंड नहीं कर रहे क्योंकि उतरने का भी वीडियो में बनाऊंगा। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से मिलता है, चारों तरफ से आप देखोगे ना तो एकदम हरियाली हरियाली, पूरा खेत ही खेत है और छोटे छोटे गांव, वो नज़ारा है ना एकदम बेस्ट है। तो चलो नीचे उतरते जाते हैं और नज़ारे भी देखते जाते हैं। वही नीचे उतरने का टाइम तो इतना थकान नहीं लगेगा अपने को जितना चढ़ने में लगा था, क्योंकि चढ़ने में बहुत तकलीफ हुई थी। चढ़ने के बाद एकदम इतना थकान हो गया कि बात ही मत पूछो, बैठ ही गए हम तो। कितनी देर, आधा घंटा जैसा तो उठ ही नहीं पाए, इतना थक गया था मैं। तो देख सकते हो अभी धीरे धीरे नीचे उतर रहे, लेकिन यहाँ से देख सकते हो यहाँ से व्यू मिल रहा है ना, अद्भुत है। यहाँ से जो व्यू मिल रहा है ना वो एकदम अद्भुत है, देख सकते हो नज़ारा। ये नीचे सीढ़ियाँ जाती हुई, ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती हुई, और इधर साइड है दादा का मंदिर। काफ़ी अच्छा मंदिर है, लोकेशन बेस्ट है। भुज आते हो तो भुज के पास में अपना जो भुज बच्चा वाला हाईवे है, वो हाईवे से 5-7 किलोमीटर अंदर है, ज़्यादा दूर नहीं है, आपको हाईवे से ही पूरा ये मंदिर दिखेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद एक अद्भुत सहानुभूति होती है। तो दोस्तों ज़रूर आइए मंदिर पे। अभी चलो उतरते धीरे धीरे, थोड़ा नीचे उतरने के बाद फिर वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो आज हमारे इष्ट देव परम पूज्य श्री धणी मातंग देव जी का दर्शन आपको कराए। तो दोस्तों देख काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, आप आ सकते हो, और काफ़ी लोकेशन भी बेस्ट है, भुज के पास में है, काफ़ी बहुत ही पुरानी जगह है।
बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, नया खुद दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, जय धनी माता।